गुड मॉर्निंग दोस्त, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज 20 जनवरी हो गया है और ठंड ज़रा से भी कमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, हम अपने फॉर्म को कितने अच्छी तरह से पूरा कोफा करके रखे हैं ताकि जो हम चूजा डाले हैं ब्रीडिंग करने के लिए उन लोग को ठंड ना लगे। और ये देखिए, आज का मौसम कितना बिगाड़ किया है, ज़रा से भी धूप निकलने का नाम नहीं ले रहा है। आसपास में जितने भी घर हैं दिख नहीं रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और ये देखिए कोहरा कितना है, उधर का कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हल्का हल्का नज़र आ रहा है किसी किसी का घर। और चलिए अब हम देखते हैं अपने फॉर्म में। देखिए, यहाँ हम सिलेंडर रखे हुए हैं, ज़्यादा ठंड होता है तो अपने फॉर्म में सिलेंडर भी जलाना पड़ता है। और ये देखिए है हमारे चूजा, इन लोग को लग रहा है ठंड। इतना ठंड गिर रहा है कि हम लोग का तो हालत ख़राब हो जा रहा है ठंड की वजह से। और इन लोग तो छोटा छोटा चूजा है तो इन लोग की तो बात ही अलग है। बहुत ठंड है, बहुत सर्दी का मौसम है। हम इन लोग के लिए अभी जाएंगे घर तो पकाएंगे अदरक लहसुन ये सब घरेलू इन लोग के लिए दवा बनाएंगे ताकि इन लोग को ठंडा से बचाव मिले और सर्दी उर्दी ना लगे। आज हमारे चूजे 21 दिन का हो गया है सब। देखिए इन लोग को 21 दिन में कितना अच्छा ग्रोथ लाया है सब। ये हमारे ब्रूडिंग घर है, हम अपने छत पे इन लोग को ब्रूडिंग करते हैं 20 दिन तक, उसके बाद अपने फॉर्म में डालते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर रखे हुए हैं और अभी पूरा इस महीने तक लगता है रखेंगे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड गिर रहा है। और इतने ठंड में हमें लगता है कि फॉर्म में ले जाना अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इन लोग को फरवरी में 2 या 3 फरवरी तक ले जाएंगे। इतने ठंडे में इन लोग का बचाव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से ब्रूडिंग हो जा रहा है और अच्छे से रह भी रहा है सब। इन लोग को दाना पानी हम लगा दिया है, देखिए पानी और दाना। इतने ठंड में चूजा डालने में बहुत मोर्टेलिटी होता है, लेकिन अभी तो 8 दिन से एक भी नहीं हुआ है, एक भी नहीं मरा है, सब ठीक ठाक है। और इसमें से टोटल 20 चूजा मेरा मर चुका है 8 दिन पहले तक, और अभी सब स्वस्थ है, अच्छा है। इन लोग को सर्दी से बचाव के लिए और ठंड से बचाव के लिए जा रहे हैं हम घरेलू कुछ बनाने किचन के सामान से, जो कि इन लोग को ठंड से बहुत राहत मिलेगा और ठंड से बचाव भी होगी, सर्दी उर्दी नहीं लगेगा इन लोग को। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो बहुत लोग के पास पहुंच सके। तो ठंडे में जानवर के साथ साथ आदमी का भी सेफ्टी की ज़रूरत होता है, तो आप लोग भी अपना सेफ्टी रखिए, ठंडा से बचाव कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा ठंड गिर रहा है। तो ठंड में हर कोई का ठंड लगता है और हर कोई के बचाव का ज़रूरत होता है। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे के वीडियो आगे बनाएंगे।